राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के मध्य स्थित बस स्टैंड से 14 जून की शाम को एक युवती सहित 3 बच्चों को अपहरण के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 बच्चों और युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी 4 बच्चों टीना उम्र 20, राजू उम्र 11, मोहन उम्र 7 और सोनू उम्र 3 को भोपाल से बस से लेकर ब्यावरा बस स्टैंड आया था, जहां से बस पकड़कर उसको छोटी मुरेली थाना चाचौड़ा जिला गुना जाना था, लेकिन इसी बीच छोटी मुरेली जाने वाली बस निकल गई थी। यह अपने 4 बच्चों के साथ बस स्टैंड ब्यावरा पर बैठा था कि शाम 7 बजे करीब उसके पास गुना जिले के मृगवास निवासी अजय धोबी नाम का युवक आया और गांव में छोड़ने की बात कहकर युवती और 2 बच्चों को अपने साथ बैठाकर बाइक पर ले गया, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद भी बच्चों के गांव नहीं पहुंचने पर फरियादी ने इसकी रिपोर्ट ब्यावरा थाने में कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और 3 बच्चों और युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीम बनाई है जो गुना तरफ रास्तों पर लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 14 और 15 जून की रात में ब्यावरा शहर थाने में एक सूचना आई थी कि ये जो फरियादी है हमारा भोपाल की तरफ से आ रहा था और इसी दौरान ये ब्यावरा बस स्टैंड पे जब था तो इसकी एक व्यक्ति से बातचीत हुई जिसने इसे शराब पिलाई और इसी दौरान इसके 3 बच्चों को लेकर वो बहाना बना के कि मैं आपके बच्चों को घर छोड़ दूंगा, 3 बच्चों को लेकर फरार हो गया, जिसमें एक 3 साल का बालक है, एक 7 साल का बालक है और एक बच्ची है इसकी। तत्काल सूचना मिलने पर हमारे द्वारा सभी जगह नाकाबंदी कर दी गई थी और मुखबिर सूचना से हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि इस आरोपी को पहले एक गांव में देखा गया, जिसके बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया और उसका मूवमेंट हमने ट्रैक किया। हमने 15 घंटे के अंदर जो 3 साल और 7 साल का बालक है उन दोनों को गुना से बरामद किया है और जो लड़की है उसको भोपाल से बरामद किया हुआ है। इसमें इस दौरान पुलिस की आत्मीयता क्योंकि इनके बच्चों के साथ रहने के कारण बड़ी है, अभी पुलिस की तरफ से इनको कपड़े, मिठाइयाँ, चॉकलेट और पढ़ाई का जो सामान है